राम रो भाइयों, भाई लोगों, सुप्रभात मान्यवर। आज मैं 43 घंटे बाद में काठमांडू बस स्टेशन पे उतर चुका हूँ, तो डिटेल में सब चीज़ें बताऊंगा आपको। आप बस जुड़े रहिए इस सीरीज में, नेपाल सीरीज में आप जुड़े रहिए, आपको मज़ा आएगा। नेपालगंज और काठमांडू के बीच का शहर है, बुटवल शहर में पहुँच चुका हूँ और यहाँ से मुझे अब काठमांडू के लिए बस पकड़नी है। अब यहाँ पे तीनों प्रकार की बसें चलती हैं, एसी, नॉन एसी, डिलेक्स भी बसें चलती हैं, तो जिसका भी किराया मैं लूँगा, जिस हिसाब से लूँगा, जिस टाइम से लूँगा, उस हिसाब से उस बस में मेरे को चलना है। मैत्री बस तो मैंने छोड़ दिया और मैं नेपालगंज के बस अड्डे में जा रहा हूँ, तो यहाँ से बुटवल की मिलेगी, काठमांडू की तो सीधा मिलेगी नहीं, बुटवल तक चलते हैं। ये मेरा टिकट कटा बुटवल का। अब दोस्तों, नेपालगंज से मुझे काठमांडू तक का कितना किराया पड़ा उसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी, और मुझे कितने घंटे लगे वो भी आपको बताऊंगा। मैंने सोचा था कि नेपालगंज पहुंचते ही काठमांडू की बस मेरा इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मेरे साथ धोखा हो गया। अब ये धोखा बहुत ख़राब हुआ है, लेकिन यहाँ से 800 रुपये दे के मुझे बुटवल की एक बस मिली है, तो उसमें अब बुटवल तक निकल रहा हूँ। वहाँ से फिर काठमांडू की मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ। तो जो मैंने सोचा था वो हुआ नहीं, मैं यहाँ फंस चुका हूँ फिलहाल। लेकिन जो ड्राइवर भैया थे उन्होंने मेरे को बुटवल तक की बस में बैठा दिया है। बुटवल से उन्होंने बोला कि इनको आगे की पोखरा या काठमांडू की बस में बैठा देना, तो देखते हैं वो मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो फिर मेरे साथ तो लोचा हो गया बहुत बुरा वाला, नहीं तो मैं आज रात तक काठमांडू पहुँचने वाला था। ये है दोस्तों नेपालगंज का काफ़ी बड़ा बस अड्डा, और बसें भी बहुत संख्या में खड़ी हैं, लेकिन कोई भी समय जाएगी नहीं, तो मेरे काम की फ़िलहाल कोई नहीं है, सिर्फ एक मात्र है लोकल बस। ये बुटवल की गाड़ी निकल चुकी है नेपालगंज के बस स्टेशन से, और तकरीबन 6-7 घंटे लगने वाले हैं, जिसका किराया 800 रुपये है। ये पहुंचे जी हम कोलपुर बस अड्डा। कोलपुर का है। ये कोलपुर का है आपका। हम बुटवल से काठमांडू के गाड़ी में बैठा, बुटवल से हम काठमांडू गाड़ी में बैठेगा। बढ़िया। अब दोस्तों, यहाँ से आगे फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे अभी इनकी बस को रोका गया और यहाँ पे हेल्पर को उतार के एक पर्ची काटी गई है, टाइमिंग उसमें नोट है। आगे जितने 2-3 किलोमीटर तक का या 10 किलोमीटर तक का फॉरेस्ट एरिया होगा, वहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से ही गाड़ी चल सकती है, उससे आगे चलेगी तो आगे दूसरी चेक पोस्ट है, तो वहाँ पे इनको पकड़ लिया जाएगा, तो फाइन पड़ता है काफ़ी तगड़ा वाला, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग नोट हो चुकी है और वहाँ पे भी दोबारा टाइमिंग देखी जाएगी, तो उस हिसाब से पता चल जाता है कि इनकी स्पीड क्या थी। तो अभी अभी जो ये आपने चेक पोस्ट देखा, यहाँ पे इनको दोबारा रोक के देखा गया टाइमिंग कितनी थी, तो अब इनका हो चुका पूरा, अब यहाँ से भगाएंगे खतरनाक वाली। अब ये खुद ही देख लो भगाने के चक्कर में यहाँ पे इनके साथ क्या हुआ है, ऐसा किसी के साथ ना हो। दोस्तों, यहाँ का मुझे बहुत अच्छा ट्रैफिक रूल लगा, ये आगे एम्बुलेंस खड़ी है और ये बेवजह सायरन नहीं बजा रही है, क्योंकि इसके पास इमरजेंसी केस नहीं है और ना ही ये शायद में कोई इमरजेंसी केस लेने जा रही है, इसीलिए बेवजह सायरन नहीं बजा रही है। ये काफ़ी अच्छी बात है, जो कि हमें इंडिया में बहुत कम देखने को मिलता है। अभी भालूवंग एक स्टेशन है, यहाँ पे गाड़ी रुकी हुई है, अब यहाँ से गाड़ी चलेगी तो रावती नदी को पार करते हुए फिर हम बुटवल की तरफ को बढ़ेंगे। दोस्तों, मेरा फ़ोन तो यहाँ बंद पड़ा हुआ है,
लेकिन जैसे कि बगल वाली सीट में भी वो फ़ोन चला रहे थे, मैंने थोड़ा सा वाईफाई मांगा कि ज़रा सा दे दो, मैं भी घर पे बात कर लूँ, तो उन्होंने मना कर दिया। और देखो सामने पे सो भी गए मोहतरमा जी जल्दी से। और यहाँ के ट्रकों में भी मैं देख रहा हूँ अक्सर ऊपर से बड़ा सा तिरपाल डाला हुआ है, क्योंकि ये बालू ला रहे होंगे और ये किसी पे ना उड़े पीछे, ये काफ़ी अच्छी बात है। और अब शाम होने को आई है तो काफ़ी खूबसूरत सनसेट मुझे देखने को मिला गाड़ी से ही, तो मैंने सोचा क्यों ना शूट किया जाए, क्योंकि सनसेट काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है बस से। ये यहाँ का सनूड़ा शहर, तुम्हारी बैंक सनूड़ा शहर, गुड़िया के बाल लगे हुए हैं। और यहाँ पे एक चौक है बड़ा सा, नेपालगंज और काठमांडू के बीच का शहर है, बुटोल शहर में पहुंच चुका हूं और यहां से मुझे अब काठमांडू के लिए बस पकड़नी है। अब यहां पे तीनों प्रकार की बसें चलती हैं, एसी, नॉन एसी, डिलेक्स भी बसें चलती हैं, तो जिसका भी किराया मैं लूँगा, जिस हिसाब से लूँगा, जिस टाइम से लूँगा, उस हिसाब से उस बस में मेरे को चलना है। तो यहाँ से भी तकरीबन 7-8 घंटे का रास्ता अभी काठमांडू का बचा हुआ है। और जिस बस में मैं आ जाए ना भाई, बहुत ही गंदी बस थी, जिससे मैं हरिद्वार से आया था वो बहुत ही सुंदर थी, और जिससे मैं नेपालगंज से यहाँ तक आया हूँ बुटोल से, बहुत ही गंदी थी, बहुत ही, उसने 8 घंटे लगा दिए यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, और काफ़ी जगह पर रुकती रही और अनकम्फर्टेबल, पूरी अनकम्फर्टेबल थी, लोकल बस थी, मज़ा ही नहीं आया बिल्कुल। ये तो कुछ ज़्यादा ही वाली बदतमीजी हो गई बीच अड्डे में, ये गलत है कुछ सरेआम। अभी यहाँ से एक एक करके बसें निकल लगी हैं, 7 बजे से शुरू हो गई थी काठमांडू की बसें और 9 बजे की आखिरी मुझे इन्होंने 9 ही बजे की बस दी है, तो 9 बजे चल के पता नहीं कितने बजे पहुँचाएगी वो, तो अब जितने बजे पहुँचाए अभी ये निकलने वाली, इसके बाद शायद मेरी वाली निकलेगी, तो 9 बजे चलते हैं, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। तो पहुँचते हैं हम काठमांडू। दोस्तों मैं बस में बैठ चुका हूँ और मुझे आ रही है अब जोरों की नींद, क्योंकि कल रात भी मेरा पूरा सफ़र था, नींद पूरी हुई नहीं थी, तो रात में कुछ देखने को मिलेगा नहीं बस से, तो सीधा चलते हैं काठमांडू। दोस्तों नेपाल के कैपिटल में आपका स्वागत है, मैं काठमांडू इंटर हो चुका हूँ, सुबह के 7:30 बज चुके हैं। अब ये बस सीधा बस अड्डे पे लेके जाएगी और वहाँ से मुझे कुछ लोकल व्हीकल लेना होगा जो मुझे पशुपतिनाथ मंदिर के मंदिर तक लेके जाएगा। तो बस अड्डे पर उतर के देखते हैं वहाँ से क्या चीज़ मिलेगी मुझे पशुपतिनाथ जी जाने के लिए। अब दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ तक आने में मुझे कितना टाइम लगा। जो मैंने हरिद्वार से मैत्री बस सेवा पकड़ी थी उसमें 1200 रुपये इंडियन पैसे दिए थे, उसके बाद से मैंने अभी तक नेपाली पैसे दिए। राम रो भैया भाई लोगों, सुप्रभात मान्यवर। आज मैं 43 घंटे बाद में काठमांडू बस स्टेशन पे उतर चुका हूँ। 43 घंटे से मैं लगातार 42-43 घंटे से मैं बस का ही सफ़र कर रहा हूँ। 2 बजे मैं पौड़ी से निकल चुका था और तब थी 23 तारीख, आज हो गई 25 तारीख, मैं 8 बजे यहाँ पहुँचा हूँ। तो फाइनली मेरी बस की यात्रा ख़त्म हुई। अब सबसे पहले होटल में चेक इन करता हूँ, फिर उसके बाद का सोचता हूँ क्या करो, ये हुलिया पहले ठीक करता हूँ, फिर आगे की यात्रा आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे मेरी आगे की यात्रा रहेगी। तो डिटेल में सब चीज़ें बताऊंगा आपको, आप बस जुड़े रहिए इस सीरीज में, नेपाल सीरीज में आप जुड़े रहिए, आपको मज़ा आएगा। बुटोल से और काठमांडू में इस बस में आया हूँ जिसमें मुझे तकरीबन, मैं 9 बजे चला था और 8 बजे यहाँ पहुँचा हूँ, 11 घंटे मुझे लग गए, जबकि था मात्र 200 कुछ किलोमीटर, तब भी 11 घंटे लग गए हैं। मतलब यहाँ यात्रा करना बहुत ही टफ लगा मुझे तो। अभी दोस्तों मैं गौशाला की बस में बैठ चुका हूँ और ये भाई साहब हैं मेरे साथ बुटोल से, जो मेरे साथ आए हैं, जो मेरे को गाइड भी कर रहे हैं यहाँ तक का पूरा सफ़र में गाइड कर रहे हैं। भैया का नाम क्या, भैया का नाम श्याम भाई हैं, जिन्होंने पूरा गाइड करा अभी तक। उन्होंने मेरे को फ़ोन भी दिया मेरे घर पर बात करने के लिए, क्योंकि 3 दिन से तो बात ही नहीं हुई घर पर, नेटवर्क है नहीं, करेगा क्या, फ़ोन का कुछ नहीं है काम। इस लोकल बस से भी उतर चुका हूँ और जो बुटोल से जो मुझे भाई गाइड कर रहे थे वो थोड़ा आगे चले गए हैं, उन्होंने कहा यहाँ से तुम इधर के लिए मुड़ जाओ। तो फिलहाल मैं अब
उतर चुका हूँ, अब मैं अपने जिम में हूँ यहाँ पे। और अभी मैं जब बस अड्डे पे था तो वहाँ पे मैंने पहले ही पूछ लिया था कि बस कितने बजे तक लास्ट है मेरी बस जो मुझे इंडिया दोबारा लेके जाएगी। उन्होंने कहा भाई साहब 12 बजे से 5 बजे चलेगी, आज शाम को 5 बजे नहीं पकड़ी तो कल सुबह फिर 12 बजे मिलेगी। तो भैया आज शाम को मुझे पकड़नी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे वापस जाना है। 2 दिन से ये फ़ोन पकड़ा हुआ लेकिन फ़ोन किसी काम का नहीं है, ये बस वीडियो बनाने के काम का रह गया है। और फिलहाल मैं रूम चेक इन करता हूँ, ये हुलिया चेंज करता हूँ। सबसे पहले मैं 3 दिन से चला हूँ, 3 दिन से अभी तक कुछ नहीं किया है। सबसे पहले मैं रूम चेक इन करता हूँ, उसके बाद बैग वगैरह वहाँ छोड़ता हूँ, 2-3 घंटे के लिए रूम लेता हूँ और फिर उसके बाद आगे की देखते हैं क्या होता है। ये है दोस्तों नेपाल का ट्रैफिक और मुझे काफ़ी सुंदर लगा है। यहाँ पे ना हॉर्न्स वगैरह बहुत कम बजाते हैं लोग, वैसे तो नाम मात्र के बजा रहे हैं। एक दो चीज़ें और अच्छी देखी हैं, जैसे एम्बुलेंस भी चल रही है, जब तक उस पर कोई इमरजेंसी केस नहीं है तब तक वो अपना सायरन नहीं बजा रही है। और जो यहाँ की लोकल पुलिस है उसको भी मैंने देखा है वो सायरन बजा के हर समय नहीं चल रही है, जो जैसा कि हमारे इंडिया में वो लगभग कभी भी अपना सायरन बजा देते हैं हूटर को, वो यहाँ पे कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं हॉर्न तो बिल्कुल नहीं सुनाई देगा आपको, बहुत ही रेयर केस में हॉर्न बजाते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है नेपाल की। और ये जो लेफ़्ट को रास्ता जा रहा है ये पशुपतिनाथ मंदिर को जा रहा है। फ़िलहाल मुझे रूम मिल चुका है, वो भी नेपाली करेंसी में, 500 रुपये में, गर्म पानी भी दे देंगे। 506 मेरा रूम नंबर है। ये रूम लिया है मैंने तकरीबन 3 घंटे के लिए 500 रुपये में, सोना मेरे को है नहीं। दोस्तों नेपालगंज से मैंने दिए थे 800 रुपये बुटोल तक के और बुटोल से दिए थे मैंने 950 रुपये काठमांडू तक के, और काठमांडू बस स्टेशन से मैंने यहाँ तक के दिए 35 रुपये मात्र नेपाली करेंसी, ये लगभग इंडियन करेंसी में हुए 1200 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पे रूम गीजर तो है नहीं लेकिन जो गीजर मुझे मिला है वो भी कमाल का है, आपको भी दिखाता हूँ। ये देखो जी मेरा रूम गीजर इलेक्ट्रिक केटल विथ ढक्कन, इसमें मेरा पानी गर्म हो रहा है, फटाफट नहाता हूँ और फिर चलता हूँ।